रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर C50 काफी सारी इसमें मोड्स हो रखे हैं, बट और 350 का फुटरेस्ट है उसको इंस्टॉल करेंगे अपने इंटरसेप्टर पर। ये देख सकते हो जो कि कुछ इस तरीके से होता है, क्योंकि स्टेबिलिटी है ना वो इस पर नहीं बन पाती लगा हुआ है, तो ये लगाएंगे। ये जो क्रैश गार्ड है ये अब तक का सबसे ज्यादा हैवी, सबसे ज्यादा कहते हैं ना पाइप का जो इसकी मोटाई है ना, लोहे का जो गेज है वो बहुत ज्यादा हैवी है। कितना पतला लग रहा है वो देखो, कितना हैवी साइज। और अभी तक किसी ने भी अपना इस तरीके का अपनी GT में अपने इंटरसेप्टर में नहीं इंस्टॉल कराया होगा। इसका आप फुटरेस्ट भी दिखा दिया, जो बिलियन का फुटरेस्ट था, देखो वो कुछ इस तरीके से लुक आया है इसका, ये फुल्ली मेटल में मैंने आपको बताया। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। गाइस एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए एक और नया वीडियो, एक और नया टॉपिक लेके। इसका थोड़ा सा ट्रेलर आपने वीडियो में देखा, तो आज हम इस पर लगाने वाले हैं अपनी पर्सनल इंटरसेप्टर C50 में लगाने वाले क्रैश गार्ड। क्रैश गार्ड के बारे में कुछ बताना चाहेंगे राजू भाई, बताओ क्रैश गार्ड के बारे में, कैसा क्रैश गार्ड है और अगर बनवाना चाहे तो क्या प्राइसिंग पड़ेगी, किस किस गाड़ियों के यहाँ पर मिल जाएंगे, सब बता दो। सबसे पहले तो इंटरसेप्टर काम में लगाया है, और ये लगाया नहीं बनवाया है, क्योंकि आपको किसी भी गाड़ी का क्रैश गार्ड, सैडल स्ट्रेट, टॉप रैक, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को जो कहता ना नहीं बन सकता या नहीं बना इस गाड़ी का, मैं उसका भी बनवा सकता हूँ, क्योंकि राजू मेरा नाम है। वो भी हैवी क्वालिटी में, वो भी हैवी क्वालिटी, क्योंकि ये जो लगाया ना इंटरसेप्टर में, मैंने इससे हैवी तक देखा नहीं किसी भी गाड़ी में। जाना वाना सब, मतलब नाम देख लेना, नाम देना किसी का, लेकिन ये है कि ये बहुत ही हैवी क्वालिटी का, देख लेना बेशक आपको, मतलब ये एक बार कंपैरिजन कर लेना, कंपैरिजन की बात करो, नाम भी लेना, कंपैरिजन में आपको जो लगे तो ये बेस्ट टू बेस्ट है। और प्लग एंड प्ले, प्लग एंड प्ले, लेकिन वही ना कि अगर किसी को बनवाना है तो समय लेकर आए, सुबह आप आए शाम तक ही फ्री हो पाएंगे, अगर बनवाने के लिए आप आओगे किसी भी गाड़ी का हैवी से हैवी मैं बनवा सकता हूँ। प्राइसिंग वगैरह का तो वैसे नॉर्मली जो स्टार्टिंग है वो 1.5-2 हज़ार रुपये से हो जाती है, बाकी जब हैवी बल्कि में आया था तो उसके पैसे थोड़े बल्कि हो जाते हैं, लेकिन ये तबीयत खुश हो जाएगी इसमें, दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही मोटे गेज का लगा हुआ है इसमें, पर्सनली बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इंटरसेप्टर हो गया, हिमालयन वगैरह, और जो हैवी बाइक है जिनकी होती है ना, वो बंदे क्या हैवी में ही ज़्यादा उनको बिलीव होते हैं, उन्होंने पता है कि यार हैवी लगवाएंगे तो उनका ही फायदा है। और फुटरेस्ट जो मेटियोर के लगाए हैं वो कॉन्टिनेंटल पे भी लग जाएंगे मेरे साथ, किसी भी गाड़ी में लग जाएंगे, कॉन्टिनेंटल में किसी भी गाड़ी में लगा देंगे। अच्छा, ये जिस तरीके का आप देख रहे हो ना फुटरेस्ट दिखाया मैंने आगे और पीछे वाले दोनों, किसी भी बाइक में, किसी बाइक में लगा लो, स्प्लेंडर लगा लो और लगा देंगे, और रॉयल एनफील्ड में तो फिर आपको पता ही लगी जाता है, लेकिन इतना कि इस पे आरी लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना आरी से कोई दिक्कत ना हो तो वो लगवा सकते हैं। और जो पीछे वाला है वो उस पे कुछ लिखा हुआ है तो वो टेंशन नहीं है, वो वैसे वो भी किसी भी लग जाएगा आगे भी, जो भी मतलब कोई भी काम है ना हमारे, ऐसा नहीं है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, ये काम है अपना। बाकी अगर आप पता करना चाह रहे हो प्राइसिंग वगैरह तो व्हाट्सअप नंबर आपको और कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, शॉप का लोकेशन मिल जाएगी, लास्ट में एक वीडियो भी डालता हूँ मैं हर वीडियो में ताकि आपको यहाँ पर आने में आसानी हो जाए। चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, सब्सक्राइब मार लो चैनल को, बहुत दिनों सब्सक्राइब नहीं मार रहे, मतलब देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं मारते, सही कह रहा है, सब्सक्राइब बढ़ नहीं रहे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे भाई, नहीं बढ़ रहे भाई साहब, क्या कर रहे हो आप लोग, राजू भाई को देख रहे हो खाली बस, इनका भी कुछ करो यार, हमारे सिकंदर भाई का सब्सक्राइब करो, और वो क्या कहते हैं घंटा घंटा जरूर बजाओ, जिससे कभी भी आप आगे तो फ्यूचर में वीडियोज आएंगी वो आपको तुरंत घंटा बजेगा। और अगर किसी और गाड़ी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता दो कि भैया इस चीज़ पे, और ये आप देखो शॉप पे सब कुछ अवेलेबल है, अगर इनमें से किसी चीज़ की वीडियो चाहते हो, किसी फॉग लैंप्स की चाहते हो, कि लीवर गार्ड की, हैंड ग्रिप, किसी चीज़ की तो बता दो, क्योंकि सिकंदर मेरा नाम है। तो चलो वीडियो देख लो पहले, रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर C50 काफ़ी सारी इसमें मोड्स हो रखे हैं, बट आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारे यूसुफ भाई लगे हुए हैं, इसमें मिट्योर 350 का जो है फुटरेस्ट है उसको इंस्टॉल करेंगे अपनी इंटरसेप्टर पर। ये देख सकते हो जो कि कुछ इस तरीके से होता है, क्योंकि इंटरसेप्टर के ना बड़े पतले से आते हैं, देखो ये वाला है, और ये देखो बिल्कुल ही, मतलब मुझे पर्सनली मज़ा नहीं आता इसमें, क्योंकि ये ना प्रॉपर तरीके से एक पैर की जो स्टेबिलिटी है ना वो इस पर नहीं बन पाती है, इस पर बनेगी, ये देखो ये कितना बिग साइज़ है देखो, और ये साइड भी और इस साइड भी, बट ये वही रहने देंगे क्योंकि इसकी जगह पर ये लगा हुआ है, तो ये लगाएंगे। और इसके अलावा एक चीज़ है, वो है आपका क्रैश गार्ड। और गाइज़ ये जो क्रैश गार्ड है ये अब तक का सबसे ज़्यादा हैवी, सबसे ज़्यादा कहते हैं ना पाइप का जो इसकी मोटाई है ना, लोहे का जो गेज है वो बहुत ज़्यादा हैवी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें पहले कौन सा लगा हुआ था। देखो सो गाइज़ पहले कुछ इस तरीके का लगा हुआ था, ये देख सकते हो आप यहाँ से, ये देखो गाइज़, अब ये देखो ये कितना पतला लग रहा है वो देखो, कितना हैवी साइज़ का है, ये देखो यहाँ से आप देख सकते हो, ये देखो पहले ये लगा हुआ था और अभी ये लगा हुआ, और इसकी जो वेट है, इसकी जो क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा हैवी गेज का है ये, और अभी तक किसी ने भी अपना इस तरीके का अपनी GT में अपने इंटरसेप्टर में नहीं इंस्टॉल कराया होगा। इसकी इंस्टॉलेशन अभी चालू है आप देख सकते हो, क्योंकि ये जो है ना ये खुद हैंडमेड डिज़ाइन करवाया गया है, ये खुद की मैन्युफैक्चरिंग है हमारी, और गाइस इसमें कोई और डिज़ाइन भी आप करवा सकते हो, लाइक कुछ इस तरीके से अगर चाहो तो यहाँ पर भी एक प्रॉपर होता ना साइज़ का, तो उस तरीके ऑप्शन पर भी जा सकते हो, यहाँ से कुछ और डिज़ाइन करवा सकते हो। बट गाइस मैं बता दूँ आपको, ये बहुत ही हैवी क्वालिटी का है, और इसके अंदर एक स्लाइडर भी लगेगा, स्लाइडर अगर आप चाहो तो लगवा सकते हो, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, बट मैं इसमें ज़्यादा नहीं छोटा स्लाइडर लगवाऊंगा, वो मैं दिखा दूंगा आपको ऑप्शन में जो भी होगा। बात कर रहा था इस क्रैश गार्ड की, ये आपकी GT पे भी आ जाएगा और आपकी इंटरसेप्टर भी आ जाएगा, ये देख सकते हो गाइस यहाँ से, देखो कितना हैवी साइज़ का है, और अभी ज़रा इसको देखो,
ये स्टोरेज। लास्ट में बताऊंगा मैं इसकी प्राइसिंग वगैरह और बताऊंगा क्या क्या चीज़ है। फिलहाल अभी इंस्टॉलेशन चालू है और ये प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल किया जा रहा है। देखो यहाँ से एक फिटिंग इसकी है और इसमें कोई अल्ट्रेशन नहीं है, जस्ट प्लग एंड प्ले है। ये देख सकते हो अभी प्रॉपर रोड भी आ रहा है। सो गाइस अभी इंस्टॉलेशन चालू है, इंस्टॉलेशन करने के बाद आपको दिखाता हूँ, फाइनल बताता हूँ आपको सारी डिटेल। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। स्क्रैच गार्ड की स्लाइडर जो थे वो ये वाला हटाकर मैंने ये वाला लगा दिया, वरना बहुत ज़्यादा बाहर आ जाता। ये देखो फिटिंग इंस्टॉल हो चुका है मीटियोर का, किस पर? इंटरसेप्टर पर। और ये देखो इसकी फिटिंग बन करोल बाग के इकलौते मैकेनिक जिनके पास एप्पल 13 प्रो देख रहे हो लेवल। वाह भाई साहब वो गाइस ही बना रहे हैं हैंडमेड डिजाइन। ये हो रहा फिटिंग। सो गाइस देखो इस तरफ का कंप्लीट हो चुका है, इस तरफ की फिटिंग बनाने के लिए देखो कितना आउट है। ये देखो इसकी फिटिंग बनानी पड़ती है और फिटिंग बनाने के बाद प्रॉपर फिटिंग को बनाना पड़ता है बिल्कुल सेम टू सेम। ये देखो इसमें कितना फर्क है, ये देखो कितना हल्का सा कितना पतला सा लग रहा है, ये देखो कितना हैवी सा है। तो इसे प्रॉपर तरीके से आप इसको राइड को एंजॉय कर सकते हो इंस्टॉलेशन के बाद। तो आप कर लेते हैं कंप्लीट, आपको दिखाते हैं फाइनल बिल्कुल कंप्लीट में कि क्रैश गार्ड के बारे में आपको बताऊंगा और साथ में बताऊंगा आपको फुट रेस्ट के बारे में। सो गाइस जो क्रैश गार्ड था वो हो चुका है इंस्टॉल्ड और अपना फुट रेस्ट भी बात करता हूं पहले क्रैश गार्ड की। देखो क्रैश गार्ड की जो फिटिंग है वो देखो कितनी ज़बरदस्त तरीके से आई है। और ये मैं शुरू में आपको बता चुका हूं कि इसकी जो फिटिंग थी उसमें कोई अल्ट्रेशन नहीं है, जस्ट प्लग एंड प्ले है। और ये वाले जो आते हैं आजकल मार्केट में आपने आम देखे होंगे तो ये बहुत ही हल्की क्वालिटी के होते हैं। प्लस बाइक जिस हिसाब से बल्की है ना, इंजन जिस हिसाब से बल्की है उस हिसाब से इसमें बल्कपन नहीं है। देखो अब ये देखो कितना पतला सा लग रहा है, ये देखो कितना हैवी सा है। यहाँ से देख सकते हो गाइस आप, ये देख सकते हो गाइस। तो ये है खुद का बनवाया हुआ क्रैश गार्ड। और पहले मैंने लगा रखा था ये वाला क्रैश गार्ड और उस पर लगा रखे थे ये वाले स्लाइडर, बट मैंने इसमें क्या अल्ट्रेशन कराई है मैं आपको बता दूँ। जब आप खुद से कुछ ही बनवाते हो ना तो उसका ये फ़ायदा होता है उसको अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग या अपने हिसाब से उसको सेट करा सकते हो। ये वाला क्रैश गार्ड आ रहा था यहाँ पर, यानी बिल्कुल जो इसका ये बैंड पाइप है ना बिल्कुल इसके पास से था। तो इसको मैंने 1 से 1.5 इंच करीब बाहर निकलवाया और उस पर बाहर निकलने के बाद इतना बड़ा अगर स्लाइडर लगाता तो मज़ा नहीं आता, ये देखो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। उस केस में ये छोटा सा स्लाइडर यूज़ किया गया है और इस स्लाइडर का बेसिकली जो वर्क होता है वो होता है ज़्यादातर लोग लोहे के लगवा लेते हैं। देखो लोहे का कभी मत लगवाना, लोहे का क्रैश गार्ड लगवाने का नुकसान ये होता है कि लोहे जो है ना जब कभी बाइक गिरती है तो ये फिसलती रहती है, बट ये रबड़ के जो तो ये क्या करता है ये बाइक को स्टॉप कर देता है, यानी गिरने के बाद आपकी बाइक को तुरंत रोकने की कोशिश करता है। तो ये कुछ इस तरीके से इंस्टॉल कर दिया है, लुक आप देख सकते हो दूर से पास से, यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो बाकी बहुत सारी एक्सेसरीज और लोड है, आप कमेंट करके बताओ मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, सब कुछ मैंने ऐड कर रखा है। बाकी बहुत जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूँ आपका आपके लिए जिसमें मैं सारी एक्सेसरीज की कॉस्ट को शेयर करूँगा, प्लस बताऊँगा कि कौन सा पार्ट कितने का है और कितना उसको लगवाना कहाँ तक आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। सो गाइस क्रैश गार्ड की सेफ्टी की प्रॉब्लम तो बिल्कुल सॉल्व हो चुकी है, ये आप देख सकते हो। अब बात कर लेता हूँ इसके फुट रेस्ट की, क्योंकि फुट रेस्ट की भी काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम है, खास करके पीछे यानी पिलियन राइडर के लिए फुट रेस्ट की बहुत बेकार पोजीशन है, क्योंकि इस पर पैर रखने के बाद ना पैर रखना बनता है, प्लस एग्जॉस्ट पैर लगता है टच होता है जिसकी वजह से आपकी चप्पल जूता जलने का चांसेस रहते हैं, तो ये भी अनसेफ रहता है। सो गाइस उस केस में इसको हटाकर यहाँ पर इंस्टॉल किया है मीटियोर वाला और यहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं ये देखो गाइस मेटल, और गाइस वो थे रबड़ वाले प्लस मेटल वाले, ये प्रॉपर मेटल वाला, ये देखो ऐसे प्रॉपर तरीके से मैंने एक्स्ट्रा यहाँ लगाई रखा है और उसके ऊपर से ये पूरा पैर पूरी तरीके से कवर हो जाएगा, प्लस स्लिप नहीं करेगा। यहाँ देखो ये जो उसकी है ना ये गरारी बना रखी है जिससे आपका पैर स्लिप नहीं करेगा और आपकी जो स्टेबिलिटी है पैर की वो प्रॉपर तरीके से होल्ड हो जाएगी। और ये दोनों साइड से है, अब जब तक इसका इंस्टॉलेशन चालू है जब तक मैं आपको दिखा देता हूँ मीटियोर का। ये देखो ये मीटियोर का है और कुछ इस तरीके से इसका लुक आता है, ये देख सकते हो गाइस। तो पहले था ये वाला लगा हुआ, अब फर्श कर लो ये और इसमें देखो कितना फ़र्क है, यानी कि इसके 3 बनेंगे ये। अब सोचो आपका पैर पूरा प्रॉपर तरीके से मतलब एक कंफर्टेबिलिटी बन जाएगी, ये देखो यहाँ पर, ये देख सकते हो गाइस। तो ये एक चीज़ होती है जो छोटी छोटी चीज़ें हैं अगर आप अपनी बाइक में करा लेते हो, खास करके इंटरसेप्टर और GT में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है इस चीज़ की। और ये सेम मोड्स आप GT में भी करा सकते हो। देखो ये तो हो गया मीटियोर वाला और जो उस तरफ से मैंने आपको दिखाया था, दिखाना एक बार यूसुफ भाई। तो ये प्रॉपर तरीके से मेटल में लगा रहे हैं, इसको लगा रहे हैं हमारे यूसुफ भाई जो कि प्रॉपर तरीके से फिट कर रहे हो, होता ऐसा है इसको हटाकर इसका पूरा सामान नहीं हटाया जाएगा, इसके ऊपर की रबड़ हटाई जाएगी और उस पर मेटल का इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि इससे क्या है ना पतला सा है तो काफ़ी चौड़ा सा हो जाता है। तो ये भी होगा, अब बाकी चीज़ें मैंने आपको दिखाई दी है, ये प्रॉपर तरीके से फोल्ड वाले, देखो जस्ट प्लग एंड प्ले, ये देखो ऐसा कुछ नहीं है कि इसको लगा दिया तो अब ये ऊपर नीचे नहीं होगा, ये प्रॉपर तरीके जैसे आपका ओरिजिनल वाला करता है वैसे ही करेगा। और ये है मीटियोर का और ये था आपका इंटरसेप्टर का GT का, और सेम मॉडिफिकेशन आप GT पे भी करा सकते हो। सो आगे वाले तो हो गया, पीछे वाले फाइनल कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ फाइनल पे। क्रैश गार्ड आपको दिखा दिया था, फ्रंट वाला फुट रेस्ट भी दिखा दिया, जो पिलियन का फुट रेस्ट था देखो वो कुछ इस तरीके से लुक आया इसका, ये फुल्ली मेटल में मैंने आपको बताया था शुरू में, और ये फोल्ड भी हो जाएगा,
क्योंकि मैंने येलो लगा रखे थे ना तो ये फोल्ड नहीं हो रहे थे, क्योंकि फोल्ड इसलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि इसमें ना ये चीज़ अड़ रही थी जिसकी वजह से यहीं पर टूट जा रहा था ये चीज़ देखो, और इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो ये देखो ये प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो गया देखो, है ना, जस्ट प्लग एंड प्ले। इस तरफ से भी आप देख सकते हो, तो भी कर दिया सो ये देख सकते हो आप, ये दोनों तरफ से इंस्टॉल कर दिए गए और कुछ इस तरीके से लुक आ रहा है। अब देखो बड़ा बल्कि बल्कि फील हो रहा है। अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ आपको तो ये देख सकते हो, और इस तरफ से दिखाऊँ तो ये देख सकते हो। और इसके अलावा बहुत सारी एक्सेसरीज आपको मेरी बाइक पे देखने को मिल रही होगी। एक बार मैं इसका एग्रेशन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ एक आइडिया के लिए। देखो यहाँ फ्रंट से आइडिया ले लो मोटा मोटा, ये देखो वॉश देख सकते हो आप, कस्टम ग्राफिक्स देख सकते हो, सीट देख सकते हो, और इग्निशन पे ऑन इंडिकेटर है, फ्लैशर है, एग्जॉस्ट है, और अगर ब्रेक लगाते हो तो ये ब्लिंकर वगैरह लगे हैं। बहुत कुछ एक्सेसरीज में ऐड है, बट आप कमेंट करके बताओ, नहीं फिर नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा, इसमें प्रॉपर तरीके सब कुछ ऐड कर दूंगा। और बाकी मैंने आज की जो वीडियो आपको दिखाई वो दिखाई फूड रेस्ट पर प्लस क्रैश गार्ड पर। आई होप आपको पसंद आएगी। इस तरीके के काम कराना चाहते हो तो बता देना। बात करूँ अगर क्रैश गार्ड की तो प्रॉपर ये वाला क्रैश गार्ड मैंने बताया, ये बनवाया गया है पर्सनली अपने लिए। और इस तरीके की क्रैश गार्ड अगर आप बनवाना चाहते हो तो शॉप पर आपको कम से कम 5,000 रुपये का खर्चा आएगा इस वाले क्रैश गार्ड में, क्योंकि ये बहुत ही हैवी मेटल में है, बहुत मोटे गेज का बना हुआ है, तो इसमें आपका 5,000 रुपये वाला खर्चा आने वाला है। तो ये तो क्रैश गार्ड का हो गया। अगर इसकी प्राइस वगैरह पता करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रहा हूँ, तो वो पता कर सकते हो गाइस आप कि ये कितने के पड़ते हैं प्रॉपर तरीके से, ये देख सकते हो। बाकी सारी एक्सेसरी मैंने कवर कर दी थी आपकी, रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 सेम मॉडिफिकेशन आप GT कॉन्टिनेंटल पर करा सकते हो। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। ये थी रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 की मॉडिफिकेशन एक्सेसरीज, बाकी सब कुछ इंट्रोडक्शन आपको राजू भाई ने शुरू में दे ही दिया था, बताई दिया था। फिर भी कुछ रहेगा तो कमेंट करके पूछ लेना, और शॉप का एड्रेस एक बार दोबारा बता दो। शॉप का एड्रेस है हमारा 1808 नंबर गली नाई वालान मेन रोड। और एक चीज़ और भी मैं हर बार बोलता हूँ, कैमरे से साथ आना, सीधा हमारी शॉप पे आकर रुके, कहीं आपको जाने की रुकने की ज़रूरत ही नहीं है। रेट और काम इसकी गारंटी मैं पूरी दूंगा, क्योंकि जहाँ रेट होंगे वहाँ काम भी अच्छा होगा। चलो ठीक है, आज की वीडियो चलते हैं, मैं आपको बताऊँ, मैं बताऊँ फिर किस और वीडियो में, जब तक के लिए टिल देन गुड बाय, जय हिंद जय भारत।